Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. आदर्श, सिद्धांत, भाईचारा और बढ़ चढ़कर सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करना अलग बात है और इन पर अमल करना दूसरी। चोरी चकारी में जेल जाने वालों का बाहर आने पर ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे समाज में उन्होंने मिसाल कायम की है। बीते दिवस 3 युवकों को मौत के घाट उतारने वाला हाजी इजलाल घर पहुंचा तो उसके स्वागत में गुदड़ी बाजार की गली को सजाया गया। फूलमालाओं से उसका कुछ इस तरह से इस्तकबाल किया गया जैसे हाजी इजलाल ने बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए देश की सीमा पर कई दुश्मनों को मार गिराया हो। अगुवाई खुद पूर्व सांसद व पूर्व मेयर हाजी शाहिद अखलाक ने आगे बढ़कर की। शाहिद अखलाक ने हत्यारे हाजी इजलाल को फूलमालाएं पहनाई और गलबैया डालते हुए सहसम्मान अपने घर ले गए। वहां हाजी इजलाल की शान में पूर्व सांसद ने कसीदे पढ़े। इससे क्षुब्ध भाजपा नेता कमल शर्मा ने कहा है कि हाजी इजलाल ने बहादुरी नहीं दिखाई थी जो उसका पूर्व सांसद हाजी अखलाक ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। कोर्ट के एक आदेश के बाद जमानत पर रिहा हाजी इजलाल जल्द ही फिर से सलाखों के पीछे होगा। वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के इस कृत्य की समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने यह कहते हुए नाराजगी जताई है। कमल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता है कि अपराधों पर नियंत्रण और जीरो टॉलरेंस नीति, लेकिन मेरठ में एक अपराधी के जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद और मेयर शाहिद अखलाक द्वारा उनका महिमा मंडित किया गया, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़? देखना ये है कि ये बड़े शर्म की बात है उनके लिए, क्योंकि जिस जुर्म के अंदर उनकी बेल हुई है वो बेल जो है वो इनकी नहीं हुई है। वो एक माननीय न्यायालय का एक ऑर्डर था कि इतने वर्ष से अधिक अगर किसी का कोई निर्णय नहीं हुआ है, अगर वो जेल में है तो उनको रिहा कर दिया जाए। उस क्रम में ये रिहा हुए हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस की तरफ से ये मुजरिम है। पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है कि कोई आंदोलन या किसी देश हमारे देश की कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी उन्होंने। वो 3 नौजवानों का उन्होंने कत्ल किया था और उस कत्ल के कारण इस मेरठ के अंदर शांति व्यवस्था को भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति को जो इस मेरठ के इतने बड़े पद पर रह चुका, उसको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का जो कृत्य है वो ये सिखाता है कि इन लोगों को अभी भी इनके अंदर अपराध बहुत हावी है और ये आपराधिक छवि से बाहर अभी निकले नहीं। और एक बात और है, आपके माध्यम से आदरणीय रवि जी, हम ये भी बताना चाहते हैं, इनका कृत्य जो है वो ये देख रहा है, पूरा मेरठ और पूरा प्रदेश देख रहा है। और हमारा आपसे कहना है कि जो पीड़ित परिवार हैं जिनके बच्चे का कत्ल करा गया था इस कांड में इस व्यक्ति के द्वारा, हमारा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। और ये जो अभी बाहर घूमकर माला डलवा रहा है, कुछ ही दिनों में जेल के सलाखों के पीछे नजर आए। मैंने सोशल मीडिया पर एक कुख्यात अपराधी का महिमा मंडल होते देखा, जिसमें कि मेरठ जिले के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक द्वारा अभी जेल से रिहा हुए अपराधी शाहिद इजराइल की फूल माला से स्वागत कर उसका ढोल नगाड़ा के साथ लेकर में जो घूमना, तोड़ द्वार बनवा कर आतिशबाजी करना, वास्तव में कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा देना है। और जो पूर्व सांसद के ऐसे कृत्य पहले भी रहे हैं, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाज की तरफ से इस काम का विरोध करता हूँ। वास्तव में गलत हो रहा है, समाज में अपराधों को प्रेरणा देकर काम करा जाना है। धन्यवाद। इस बारे में संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने यह कहा। घटना कल की प्रकाश में आई है कि एक अपराधी जेल से छूटता है जो हत्या का अपराधी था और लंबे समय के बाद किन कारणों से उसको जमानत मिली है, और एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जो प्रतिष्ठित पदों पर रहा है वो जिस तरीके से उसका ढोल नगाड़ों से स्वागत करता है और फिर तत्पश्चात उसको अपने घर पर ले जाना और वहाँ दावत और जश्न होना, ये दर्शाता है कि समाज में अपराधियों को संरक्षण देने का काम जिस तरीके से कुछ दल कर रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है और ये इससे खराब मिस जाता है। वहीं अधिवक्ता संदीप पहल का यह कहना है। जिस प्रकार तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी क्या एक तरह से सीधा सीधा हत्यारा है, बस मुकदमा तय होने की बात है, उसका मेरठ के पूर्व सांसद
शाहिद अकलान जो स्वयं भी हिस्ट्री शीटर है उसके द्वारा एक तीरे हत्याकांड के व्यक्ति के लिए झारे लगाकर उसका स्वागत करना, ये दोबारे से दहशत फैलाना चाहता है या इस दहशतगर्द व्यक्ति को समाज में पुनः स्थापित करने की प्रयास है जिस तरीके से शाहिद अकलान ने ये काम किया है, एक्सेप्टेबल नहीं है। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।